नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूं तो दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं जिनकी अलग अलग खासियत है, लेकिन इन देशों में एक चीज काफी कॉमन पाई जाती है कि वहां के लोग इस्लामिक कानून के हिसाब से चलते हैं। जैसे ही इस्लाम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इस्लामिक देशों में महिलाओं को पुरुषों जितने अधिकार नहीं दिए जाते। भारत की तरह वहां महिलाएं अपनी मर्जी से शादी करना तो दूर बल्कि सोच भी नहीं सकती हैं। इस्लामिक देशों में सिर्फ अपने मजहब में ही शादी की जाती है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लड़कियों को दूसरे मजहब में शादी करने का पूरा अधिकार है, और वो भी कानूनी तरीके से उन्हें ये स्वतंत्रता मिली हुई है। ये एक आजाद और एडवांस ख्यालों वाला देश है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है। आपको हैरानी होगी जानकर कि यहाँ 99% की आबादी जो है वो मुस्लिम है, और ये देश कोई खाड़ी देश नहीं बल्कि अफ्रीका के उत्तरी छोर पर बसा हुआ ट्यूनीशिया देश है। ये काफी पुराना देश है जिसका इतिहास भी काफी अच्छा रहा। इसका क्षेत्रफल 1,63,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी बिहार और झारखंड राज्य के करीब करीब बराबर। आज की तारीख में ये देश दूसरे इस्लामिक देशों के लिए एक उदाहरण बन गया है। इस देश में दुनिया के अन्य इस्लामिक देशों से ज्यादा महिलाओं को आजादी दी गई है। हालांकि अभी पवित्र इस्लामिक देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी अपने देश में धीरे धीरे महिलाओं को सम्मान का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन ट्यूनीशिया का महिलाओं को अपनी पसंद से शादी का जो अधिकार मिला है वो किसी और इस्लामिक स्टेट के महिलाओं के पास है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये आजादी यहाँ की महिलाओं को पहले से मिली हुई है। पहले इस देश में भी गैर मुस्लिमों से निकाह पर बैन था, लेकिन कुछ साल पहले इसे बदल दिया गया। पहले यहाँ भी था गैर मुस्लिमों से निकाह बैन। उत्तरी अफ्रीका के इस देश में बकायदा कानूनी तौर पर मुस्लिम लड़कियों को ये आजादी दी गई है। वो गैर इस्लामिक लड़के को धर्म परिवर्तन करवाए बिना अपनी जीवन साथी चुन सकती है, जबकि माना जाता है कि दुनिया के बाकी इस्लामिक मुल्कों में अगर कोई मुस्लिम लड़की दूसरे धर्म के लड़के से शादी करना चाहती है तो पहले उसे उस लड़के का धर्म परिवर्तन करवा कर इस्लाम कबूल करवाना होता है। लेकिन इस मामले में ये देश अलग है, और ये एक आधुनिक समाज का देश है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए जनता को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। महिलाओं ने हक के लिए लड़ी थी लड़ाई। यहाँ की जनता ने 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति जीन अल एब्दीन बेन अली के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जनता ने लोकतंत्र और व्यापक आजादी के लिए ये विद्रोह किया था। इसके बाद साल 2017 में राष्ट्रपति बेजी कद एसएसबी की सरकार ने महिलाओं को कानूनी तौर पर यह अधिकार दिया कि वे अपने पसंद के जीवन साथी को चुन सकती है। इसके लिए उन्हें अपने होने वाले जीवन साथी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाना होगा। इस्लामिक देशों में जब जब महिलाओं को अधिकार मिला तब तब कट्टरपंथियों ने इसकी आलोचना ही की, और इतने बड़े फैसले पर इस देश को भी आलोचना का सामना करना ही पड़ा। एक कानून के जरिए महिलाओं को जीवन साथी चुनने की आजादी देने वाले इस फैसले की कट्टरपंथियों और कुछ मुस्लिम मौलवियों ने कड़ी निंदा की। उनका कहना था कि सरकार का ये फैसला ट्यूनीशिया को बाकी अरब दुनिया से अलग करता है, जहां इस्लामी कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाता है। कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को पहनने से लेकर शादी तक की कोई आजादी नहीं है, लेकिन इस देश ने ये बता दिया कि इस्लामिक देशों में भी महिलाओं को पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकती हैं। हालांकि आलोचना का सामना इस देश को भी करना पड़ा, और कई कट्टरपंथियों को महिलाओं की आजादी भाती नहीं है। उन्हें महिलाएं सिर्फ बुरके में देखना ही पसंद आता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।